इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF चक्र की विफलता में कई कारक योगदान दे सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य कारण हैं कि क्यों IVF चक्र सफल नहीं हो सकते हैं। भ्रूण की गुणवत्ता IVF की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि भ्रूण खराब गुणवत्ता के हैं या उनमें क्रोमोसोमल असामान्यताएं हैं तो वे प्रत्यारोपण में विफल हो सकते हैं या परिणाम स्वरूप जल्दी गर्भपात हो सकता है। इम्प्लांटेशन फेलियर, अच्छी गुणवत्ता वाले भ्रूण के साथ भी आरोपण नहीं हो सकता है। यह गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं या गर्भाशय की परत में भ्रूण के प्रत्यारोपित होने में असमर्थता के कारण हो सकता है। मैटरनल एज, उन्नत मातृ आयु प्रजनन क्षमता में कमी और भ्रूण में गुणसूत्र असामान्यताओं के उच्च जोखिम से जुड़ी होती है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है IVF की सफलता दर कम हो सकती है। गर्भाशय संबंधी कारक, गर्भाशय संबंधी असामान्यताएं जैसे फाइब्रॉइड या आसंजन प्रत्यारोपण और स्वस्थ गर्भावस्था के विकास में बाधा डाल सकते हैं। ओवेरियन फैक्टर, ओवेरियन रिजर्व में कमी, जहां एक महिला के अंडों की संख्या कम हो जाती है IVF की सफलता की संभावना को सीमित कर सकती है। पुरुष कारक, कम शुक्राणु संख्या, खराब शुक्राणु गतिशीलता या असामान्य शुक्राणु आकृति विज्ञान सहित पुरुष बांझपन सफल IVF की संभावना को कम कर सकता है। जीवन शैली और स्वास्थ्य कारक, धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, मोटापा और अन्य जीवन शैली कारक IVF परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मधुमेह या पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS जैसी पुरानी स्वास्थ्य स्थितियां भी प्रजनन क्षमता और IVF की सफलता को प्रभावित कर सकती है। हार्मोनल असंतुलन, किसी भी साथी में हार्मोनल असंतुलन IVF की सफलता को प्रभावित कर सकता है। अंडों के विकास और ग्रहणशील गर्भाशय स्तर के लिए उचित हार्मोन का स्तर आवश्यक है। तनाव का उच्च स्तर शरीर की गर्भधारण करने की क्षमता में बाधा डाल सकता है। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारक IVF परिणामों में भूमिका निभा सकते हैं। संक्रमण या सूजन, प्रजनन अंगों में अज्ञात संक्रमण या सूजन प्रजनन क्षमता को कम कर सकती है और प्रत्यारोपण प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है। मल्टीपल IVF चक्र, कभी कभी सफलता के लिए कई IVF चक्रों की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि पहला प्रयास सफल नहीं हो सकता है। प्रत्येक चक्र भावनात्मक और आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, कुछ मामलों में व्यापक परीक्षण के बावजूद बांझपन का कारण अस्पष्ट रहता है। इससे उपचार का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।